नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सभी पूर्व सैनिकों और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स के लिए दो महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है, तो चलिए एक एक करके जानते हैं दोनों बड़ी खबरों को विस्तार से। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाली हर लेटेस्ट खबर हमेशा आपको मिलती रहेगी। पहली और बड़ी खबर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS AG ब्रांच की तरफ से 12 मार्च 2024 को यह लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है और इस लेटर की कॉपी ऑल रीजनल सेंटर्स को भेज दी गई है। सब्जेक्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिवाइज रेट्स प्रिंटिंग ऑफ 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड्स को लेकर यह लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, जो 64 KB के जो स्मार्ट कार्ड ECHS कार्ड हैं उसकी रिवाइज रेट वो चार्जेस हैं वो रिवाइज कर दिए गए हैं और उसकी ये नई लिस्ट जारी की गई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, न्यू 64 KB कार्ड्स फॉर फर्स्ट टाइम बनाने के लिए आपको पहले पे करना पड़ता था ₹177, लेकिन अब आपको पे करना पड़ेगा ₹173.50। वहीं ECHS कार्ड में 64 KB के जो कार्ड है उसमें कोई डेटा वगैरह चेंज करवाने के लिए आपको पहले चार्ज करना पड़ता था ₹177, आपसे चार्ज लिया जाता था, अब आपसे लिया जाएगा ₹173.50। वही ओल्ड जो 15 KB और 32 KB के जो टेम्परेरी स्लिप हैं उनके जो कार्ड बनाने के लिए वो चार्जेस हैं वो पहले ₹132.75 लिए जाते थे, अभी आपको ₹130.13 लिए जाएंगे। वहीं किसी का कार्ड है वो गुम जाता है तो उसके लिए ₹53 पहले चार्ज किए जाते थे, अब आपको ₹52.05 चार्ज किए जाएंगे और ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ये सारे जो रिवाइज रेट है वो एप्लीकेबल होंगे, हो गए हैं 8 मार्च 2024 से। वही अगली और बड़ी खबर, हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इस लेटर की कॉपी ऑल इनपंडल हॉस्पिटल में भेज दी गई है और इसका सब्जेक्ट है कि आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज को लेकर ये लेटेस्ट लेटर जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी ECHS के इनपंडल हॉस्पिटल हैं उन्होंने ये निर्देशित किया है, उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो पूर्व सैनिकों को बताएं कि 1 अप्रैल 2024 से जो इनपंडल हॉस्पिटल में जो है वो आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस शुरू की जाएगी। तो आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को अपडेट करा लें, लेटेस्ट जो आपके पास मोबाइल नंबर हैं उसको अपडेट करा दें ताकि आगे चल के कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। वहीं आधार कार्ड में जो आपकी जो करेक्ट डिटेल्स हैं उसको भी अपडेट करवा दें क्योंकि आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज लागू हो जाएगी सभी इनपेंडल हॉस्पिटल्स में। तो ये थी दो महत्वपूर्ण खबरें सभी पूर्व सैनिकों और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।